टुडे वी आर गोइंग टू सी 25 पे पावर x प्लस 5 पे पावर x इक्वल टू 90। तो लेट्स ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 25 को जो है 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू x प्लस क्या हो जाएगा 5 का x और यहां से 90। दूसरा स्टेप में क्या जानते हैं, a पे पावर m इनटू n इक्वल टू हम लिख सकते हैं a पे पावर n पे m। इट्स ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहां से 5 पे पावर x कर दें और इससे जो है यहां पर 2 आ जाएगा और यहां से भी 5 पे पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहां पर लेट मानेंगे 5x इक्वल टू m। क्या मानते हैं, 5x इक्वल टू m मानते हैं। तो 5x इक्वल टू m तो यहां पर क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 90। तो यहां से हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि ये वाला जो चीज है 90 वाला चीज इधर लाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या हो जाएगा 90 को हम तोड़ सकते हैं माइनस 81 प्लस m और माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, तो यहां नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर लिख सकते हैं m स्क्वायर और 81 को जो है 9 का स्क्वायर प्लस m माइनस 9। ओके, फिर यहां से क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस m और यहां से क्या हो जाएगा m माइनस 9 और यहां से क्या हो जाएगा m माइनस 9 इक्वल टू 0। m माइनस 9 क्या हो जाएगा कॉमन वाला पार्ट, क्या हो जाएगा कॉमन वाला पार्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं m माइनस 9 और इधर से क्या हो जाएगा m प्लस 9 प्लस इधर से आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, m माइनस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा m प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा m बराबर 9 और m बराबर माइनस 10, जिसमें 9 को क्या करेंगे लेंगे और माइनस 10 को क्या करेंगे नहीं लेंगे। तो वाई, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो m का मान क्या आ गया मेरा 9 आ गया। तो अब हम क्या जानते हैं, माने थे 5x इक्वल टू m, 5x बराबर कितना हो जाएगा 9, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय log, किससे मल्टीप्लाई करेंगे log से। तो यहां से क्या हो जाएगा log 5x इक्वल टू log 9 और यहां से x बाहर निकलेगा और log 5 इक्वल टू हो जाएगा log 9। तो y, यहां से एक फॉर्मूला होता है log a पे पावर m इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू log a, ये वाला चीज। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर log 9 अपॉन log 5। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया log 9 बाय log 5। log 9 का मान जो होता है कितना होता है 0.954 और जो है log 5 का मान होता है 6.98। x बराबर क्या हो जाएगा यहां से डिवाइड करने पर 1.366। तो यहां से अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या दिया गया था 25 का पे पावर x और यहां पर 5 पे पावर x इक्वल टू दिया गया था 90। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस पे क्या कर देंगे पावर जो चीज था वही चीज डाल दिए, यहां पर भी क्या कर दिए वही चीज डाल दिए पावर 1.366 इक्वल टू क्या कर दे 90 कर दे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो यहां से इसको जो है पावर जैसे हम यह करेंगे तो यहां से मेरा आ जाएगा 81
6.20 प्लस हो जाएगा कितना 9.02 इक्वल टू 90 प्रूव्ड।